ये है कलवा खारे का ओवर ब्रिज। जो लोग कलवा के होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं होंगे उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग जान जाएं। फिलहाल तो ये जो दिख रहा है मॉल, ये मॉल क्या मार्केट छोटा मोटा है। यहाँ पे अच्छी खासी चाट पकौड़े की दुकान उकान होती है, जैसे मंचूरियन हो गया, वड़ा पाव हो गया, आइसक्रीम हो गया। और ये कलवा का ब्रिज वो जो ऊपर चढ़ते हुए हैं, तो कुछ बच्चे जा रहे हैं स्कूल की तरफ, स्कूल की तरफ नहीं स्कूल ही जा रहे हैं। तो मैं सोचा थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर देते हैं और ये ऊपर से आप लोग को ऐसे ऊपर का नज़ारा दिखाऊंगा, लेकिन पहले जिससे हम लोग ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं वो आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो स्मूथली है, यहाँ पे साइकिल वगैरह आराम से ले जा सकते हो, लेकिन बाइक नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर के दो जो है वो प्लेन है, लेकिन बाकी का नीचे सीढ़ी टाइप का है। तो ये हो गया, देखो नीचे दिख रहा है, नीचे सीढ़ी, ऊपर से ऐसा प्लेन है। तो साइकिल और पैदल आराम ईजी है, बाकी और कुछ नहीं जा सकता। और यहाँ यहाँ से दिखता है कुछ ऊपर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। तो ये रहा ऊपर का नज़ारा, यहाँ से व्यू, ऊपर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, देखने में आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एक ही बड़ी बिल्डिंग, बड़ा टावर है, आसार आर्या का बिल्डिंग का है, जिसकी वजह से कलवा का डिमांड काफ़ी अच्छा खासा बन गया है। नहीं तो पहले उतना कुछ डिमांड नहीं था, लेकिन इसके वजह से क्या होता है, ओवर ब्रिज बन गया है, अच्छा खासा रोड बन गया है। और भाई यहाँ पे तो स्टेशन पास में है, स्टेशन की ज़्यादा डिस्टेंस से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। तो सब कुछ फिलहाल अच्छा है, एक नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ईजिली आप लोग आराम से यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ के पब्लिक बहुत ज़्यादा है। ट्रेन सुबह के मॉर्निंग में बहुत थोड़ा भीड़ लगती है। ये देखो कलवा स्टेशन का रोड था, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ से कुछ व्यू दिख रहा है। जो भी बारिश का मौसम है तो इसलिए काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन धूप में बहुत ख़तरनाक दिखता है। मतलब कि समझ सकते हैं फिलहाल, लेकिन बारिश टाइम में मौसम तो व्यू काफ़ी अच्छा खूबसूरत आता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। गाँव तो है नहीं कि चलो बारिश पड़ा तो बोल खराब हो गया। और ये हो गया कलवा स्टेशन, जो कभी मैं 12 बजे के बाद आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा भीड़ बहुत कम है। लेकिन सुबह में अगर यही या तो सुबह मॉर्निंग टाइम में, तो यहाँ पर ट्रेन रुकती तो ठीक है, लेकिन ना ही ट्रेन में से कोई पब्लिक उतरेगा ना ही कोई चढ़ेगा, इतनी भीड़ रहती है। तो ये हो गया कलवा का छोटा सा ब्लॉग। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक।